मत करो, मैं बड़ा हूँ तुमसे, मुझे पता है। गाइस आप देख सकते हैं अपन विंडो चढ़ा रहे हैं लेकिन चढ़ ही नहीं रही। गाइस ये जर्नी वर्नी तो चलती रहेगी लेकिन अब चाची से कुछ बातें करते हैं। लो गाइस कितना जाम हो रहा है यहाँ पे, 200 मीटर बाद यहाँ पे ड्राइवर जा रहे हैं और 200 मीटर पहले पता नहीं क्या आफत आ चुकी है। गाँव का एरिया है पूरा का पूरा और यहाँ पे हेबिल्स भी थे। मैं सूट ही नहीं करूंगा, अब कल को यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी ना तो गड़बड़ सीन हो जाएगा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, मैं भी ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि अपन कहाँ पे जा रहे हैं, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, अभी अपन को जयपुर में जाना है एक शादी में, तो अपन वहीं पे जा रहे हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं, वैसे गाइस रास्ता तो बहुत लंबा है, फटाफट से तो नहीं पहुँच पाएंगे। और अपनी कार में सिर्फ अपन तीनों नहीं है, साथ में रेनु चाची है, सरोज बुआ है और वो दोनों हनी सनी भी है। अपन 5 लोग जाने वाले हैं, चलिए फटाफट से चलते हैं उनको लेने। गाइस अभी रेनू चाची, सरोज बुआ और हनी सनी वगैरह आएंगे तो उनका सामान भी तो होगा ना, तो उसके लिए अभी मम्मा ला रही है सामान और सब आ रहे हैं अभी, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं यहीं पे थोड़ी देर और कुछ टाइम पास के तरीके ढूंढते हैं। हनी सनी वगैरह आ चुके हैं लेकिन रेनू चाची वगैरह नहीं आई है अभी तक। अबे ध्यान से रहे, रोड पे गाड़ी आ रही है। गाइस अभी और सामान भी लेने जा रहे हैं, चलिए उसके लिए भी चलते हैं। एक बार हेलो होती है, बार बार नहीं होती, ठीक है। गाइस ये समझाना पड़ता है, थोड़ा छोटे है ना अभी, अभी सब आ चुके हैं, अब बस सामान रखना है और सबको गाड़ी में फिट करना है। चलिए अब वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम वाइम लगेगा अभी। गाइस अभी पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। अबे ऐप मत करो, मैं बड़ा हूँ तुमसे, मुझे पता है। गाइस यार सबको ऐप करने की क्यों सूझ दी है इन दोनों को। चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं, सबकी बैठने की बारी आ चुकी है। और गाइस आज रेनु चाची है ना तो अलग मजा आने वाला है। चलिए गाइस अब बैठते हैं, मस्त मजा आने वाला है। अपनी कार में म्यूजिक सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी इसलिए उसे निकाला था, लेकिन पापा इसमें चश्मे दवाइयां डाल रहे हैं। गाइस क्या मस्त बात है। गाइस अपन कोई सी भी जर्नी करते हैं ना तो पहले बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन कितनी मस्त तरीके से निकल रही है और ये नन्नू की फेवरेट चीज है। चलिए गाइस अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो सब बोलो बालाजी महाराज की जय। गाइस जर्नी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, अपन को भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें, बस इतना पता है कि जर्नी बहुत अमेजिंग होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले पेट्रोल भी तो चाहिए होगा ना, चलिए वो भी फिल कराते हैं। गाइस अभी अपन भरवा रहे हैं हवा, वो भी बहुत जरूरी काम है, चलिए भरवाते हैं फटाफट से। अभी अपन को हर बार की तरह सर्विस लेन में चलना ही पड़ता है, जब भी अपन कहीं दूर जाते हैं ना हाईवे से, जब अपन को हमेशा सर्विस लेन पे चलना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे कि अपन सीधा ही हाईवे पे आ जाए, सर्विस लेन पे थोड़ा सा भी समय ना बिताना पड़े। वो देखिए गाइस क्या रॉन्ग साइड घुस रहे हैं लोग, मतलब मानना पड़ेगा वो ट्रैक्टर वगैरह आधे लोग रॉन्ग साइड घुस रहे हैं, पता नहीं गाइस क्या मजा आता है आधे लोगों को रॉन्ग साइड घुसने में। गाइस आप देख सकते हैं आगे मार्बल की सिल्लियां का ट्रक चल रहा है और इसमें कम से कम 5-6 जा रही है एक बार में, पता नहीं क्या बना हुआ है इनके ऊपर 8-9-10। चाची मजा आ रहा है। गाइस चाची को तो फुल मस्त मजा आ गया ट्रिप करके। एक गाना सुनाओगी? गाइस आप देख सकते हैं अपन विंडो चढ़ा रहे हैं लेकिन चढ़ ही नहीं रही। देखिए गाइस अपन हाथ ऊपर किया और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। पीछे की विंडो तो वैसे ही खराब है, आगे की भी हो गई। वो वाली चढ़ रही है क्या? अबे इसकी समस्या नहीं है, रात को लॉक कैसे करेगा ये समस्या रहेगी। गाइस ये विंडो खराब हो गई ना तो गाड़ी को आज के आज बदलना पड़ेगा, वरना रात को है ना इस विंडो को बंद करने की समस्या हो जाएगी। बंद करके रखो सिर्फ, बस लॉक की खराबी हो गई शायद। हो गए गाइस फाइनली हो चुकी है, नहीं वो सर्किट की प्रॉब्लम, समस्या खत्म हो गई। लो गाइस ताली बजाओ इनके लिए। गाइस पता नहीं इतने सारे लोग रॉन्ग साइड ही क्यों घुस रहे हैं। गाइस ये जर्नी वर्नी तो चलती रहेगी लेकिन अब चाची से कुछ बातें करते हैं। चाची आपकी हॉबी क्या है? अच्छा गाना सुनाओगी? एक चाचू होते तो सुना देती दोनों। अलग ही बात है ये तो सिस्टम, कुछ
तीन महीना बाद ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर चाची कभी भी गाना सुना देगी। गाइस बड़ा सा ट्रक चल रहा था पास में, गाइस मस्ती वगैरह तो चलती रहेगी, अब थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। चाचू को रेनू चाची की इतनी बड़ी हुई है कि अभी उनका कॉल भी आ चुका है और वो ये पूछ रहे हैं कि रेनू चाची कब आ रही है, और सुबह भी यही पूछ रहे थे वो, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, तब से चार बार पूछ चुके हैं। हाँ यार कितना परेशान कर रहे हैं सुधीर चाचू। कि आप नहीं होती क्या परेशान सुधीर चाचू, ऐसे कहते रहते हैं। चाची व्हाट्सएप पे कर रही है बात, बतानी पड़ रहा अपने। मतलब क्या है इससे, सब इसको सब साइड दो, इससे भागा जा नहीं रहे, हाथ पैर हिल नहीं रहे, किसी काम का ये है नहीं, और साइड दो मस्त बात है ना गाइस। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और ये इनोवा वाला पता नहीं कैसे उल्टी सीधी लगा के खड़ा हो चुका है यहाँ पे। देख सकते हैं जयपुर रोड की हालत कितनी खराब हो रही है, इतना जाम है, पता नहीं गाइस जयपुर में इतना जाम क्यों रहता है। जैसे गाइस गुजरात में रहता है ना, वैसे जयपुर में भी रहता है, बड़ी सिटीज में जाम तो लगते रहते हैं जैसे अहमदाबाद वगैरह है, लेकिन गाइस जब हम छोटी सिटी अजमेर में रहते हैं ना तो जाम इतने मिलते हैं नहीं है, बाकी जो पतली गली वगैरह होती है ना वहाँ पे थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन अपनी अजमेर सिटी में कोई सा भी जाम नहीं है। तो गाइस बारी आ चुकी है उमेश, आ चुकी है, देखते हैं उन्हें किसकी टेंशन है। मेरी लोकेशन तेरे पास आ रही है, तेरी लोकेशन किसके पास जा रही है, दिल्ली। हाँ खुद की लोकेशन के अधिक नहीं, हमारी लोकेशन ट्रैक करेगा। हाँ मैं पहुँच गया यार, ये दूध पहुँचने वाला हूँ 10 किलोमीटर बाद। दूध यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, चलिए फटाफट से चलते हैं, वहाँ पे मेन काम है चाय पीना, वहाँ पे जाओ और चाय ना पियो ऐसा हो नहीं सकता है गाइस, तो हम चाय पीने वाले हैं या दूध का दूध पियेंगे। इतना जाम हो रहा है यहाँ पे, मतलब गाइस पूरा गलत सीन चल रहा है जाम का यहाँ पे, पता नहीं गाइस क्या सिस्टम चल रहा है जाम का, अलग ही सिस्टम है। अपन को जाम में खड़े हुए आधा घंटा हो चुका है लेकिन ये जाम क्लियर ही नहीं होता है, 200 मीटर बाद यहाँ पे डाइवर्जन है और 200 मीटर पहले पता नहीं क्या बता चुकी है। अपन तो यहाँ पे अपना गाना सुन रहे हैं मस्त, कि ड्राइवर लोग है ना बाहर निकल के खड़े हो जा रहे हैं और पापा भी कुछ देर में बाहर जाने ही वाले हैं। 2000 years later आप देख सकते हैं यार क्या गलत सीन हो रहा है जाम का, भाई इस रोड पे जाम तो लगता है जब भी आते हैं जयपुर जाते हैं या आते हैं ना तो हमेशा जाम तो लगता है, ये चीज पक्का है। अपन जयपुर पहुंच चुके हैं और गाइस यार ये रास्ता तो बड़ा मस्त है, यहाँ पे तो पूरी फीलिंग आ रही है हाईवे वाली, और यहाँ पे गाड़ी जो चल रही है ना 80 की स्पीड में उसमें भी मस्त मजा आ रहा है। और गाइस अब जहाँ पे अपन को जाना है ना वो है मिस्टी का घर, अपन यहाँ पे 2022 में आए थे, चलिए गाइस अब चलते हैं वहाँ पे, अपन को पता तो है थोड़ा बहुत रास्ता, लेकिन फिर से चलते हैं, अपन पूरे दिन भर से मोबाइल चलाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस अभी अपन बहुत ज्यादा पास है, चलिए फटाफट से चलते हैं, 2-3 किलोमीटर ही होंगे अभी, फटाफट से चलते हैं, मस्त मजा आने वाला है। अपन भी थोड़ा थोड़ा घर का रास्ता भूल चुके हैं लेकिन घर तो फुल याद है अपन को, क्या गांव का एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे हेबिल्स भी थे, लेकिन गाइस रोड की हालत खराब है, ये सबसे नुकसान की बात है। गाइस यार ये कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसका क्रैश टेस्ट होने वाला है। और गाइस यही है वो घर जहाँ पे अपन को जाना है, और यही है मिस्टी का घर। हाँ। मस्त मजा आने वाला है, चलिए फटाफट से घर के अंदर चलते हैं, अपन 2 साल बाद आ रहे हैं इस घर में। चलिए गाइस अब चलते हैं, मैं शूट ही नहीं करूंगा। गाइस जहाँ पे वो टेंट लग रहा है ना वहीं पे है घर, और पापा ने गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया,
ताकि जो बाकी लोगों की गाड़ी आएगी ना वो भी यहाँ पे आराम से पार्क हो सके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपन ही नहीं आया, बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसके लिए गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए अपन ने कोने में पार्क कर दिया। चलिए फटाफट से चलते हैं, पहले पापा अपना काम कर लें। One hour later. गाइस अभी अपन पकौड़े और कढ़ी खा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, उसके बाद थोड़ा सा गेम खेलेंगे, वो बाद में खेलेंगे, पहले भोजन फिर उसके बाद गेम। तो जी गाइस ये है वो मैरिज वेन्यू जहाँ पे होने वाली है बुआ की शादी। अभी तो दिन है इसलिए दिन में शादी थोड़ी होगी, रात में होगी ना। अभी अपन यहाँ पे थोड़े से अरेंजमेंट देखने के लिए आए हैं पापा के साथ, और अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मैरिज वेन्यू नहीं, ये एक खेत है जिसके ऊपर टेंट हाउस वगैरह लगा के इसकी पूरी लुकिंग मैरिज वेन्यू में कन्वर्ट कर दी है। गाइस बारात आने वाली है और अपन सब हो चुके हैं रेडी, चलिए बारात का वेट करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। हाय हाय हाय। अबे अब बोलने दो। गाइस जो मैरिज मेन्यू है ना वहाँ पे एक बहुत मस्त चीज है, वो आपको वहाँ पे चल के बताते हैं फटाफट से, वहाँ पे मजे आने वाले हैं। चलिए फटाफट से चलते। अभी अपन अपनी बुआ की मैरिज से निकल आए और जहाँ पे अपने मामा की मैरिज है जयपुर में, वहाँ पे अपन जा रहे हैं। जहाँ पे अपन को जाना है ना वो कम से कम 15 किलोमीटर और कम से कम आधा घंटा लगेगा। लो गाइस ट्रेन आने का कोई डर ही नहीं है बाइक वालों को, तो अब उसको देख के बहुत सारे बाइक वाले निकल जाएंगे यहाँ से। लग भाई ये गलत सीन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब कल को यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी ना तो गड़बड़ सीन हो जाएगा, अपन उस तरफ जा सकते हैं। ऐसे हुआ कुछ ऐसा ना, पापा है ना वहाँ से यहाँ पे आ गए थे गलती से, लेकिन फिर पता पड़ा कि यहाँ से वहाँ पे जाना है और लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन जैसे ही अपन मुड़े वैसे ही क्रॉसिंग बंद हो गई। अब 1 घंटे के बाद क्रॉसिंग खुल चुकी है, मतलब कि आधा घंटा हो गया यहाँ पे अपन को, 10 से 10:30 हो गए। मजा आ गया, अब फटाफट से चलते हैं और अपन को इस तरफ टर्न लेना है, यहाँ पे लेना है अपन को टर्न। सारी गाड़ी हॉर्न बजा रही है, अपन गाइस आप सोच रहे होंगे कि अपन अपनी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। गाइस वहां से है ना बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड ला रहे हैं गाड़ी, तो अपन कहीं के नहीं जाएंगे अगर आगे गाड़ी लगा दी। अपन पीछे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अपन को सबसे पहले मैरिज में जाना है, उसके बाद ही अपन पीछे जा पाएंगे। अजमेर की ओर गाइस आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं अपन को 10 से। गाइस मतलब यार अपन कहाँ पे फंस गए और अपन को 11 बज चुके हैं, अब कहीं 12 ना बज जाए वरना अपनी पूरी नींद भी खराब हो जाएगी। गाइस इन सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं क्योंकि अभी एक अंकल जो गए थे ना उन्होंने कह दिया कि जाम लग चुका है, बहुत कठिन है निकलना, कम से कम 20-12 घंटे लग जाएंगे निकलने में अपन को, इसलिए अपन भी तल्टी लेते कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के। और गाइस 300 मीटर ही है अपन, 300 मीटर है लेकिन वो भी कवर करने में 10 साल लगने वाले हैं, वैसे अपन वो कवर नहीं करने वाला है, दूसरे रास्ते से चलते हैं, देखते हैं GPS कुछ बता रहे कि नहीं। 2000 years later. गाइस अभी अपन आ चुके दूसरी बारी मैरिज में, चलिए फटाफट से इसे भी इंजॉय करते हैं। वैसे तो गाइस अभी अपन यहाँ पे पहुंचे 11 बजे तक, कुछ खाने का मन तो हो नहीं है और नींद से आ रही है, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं।